मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो यार आज वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना एंड शेयर करना वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, खासकर उन दोस्तों के साथ जो गेम में पैसे वगैरह लगाते हैं या लगा चुके हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक भाई का मेरे को मैसेज आया था जिसने कि अपने अकाउंट पर 5 लाख रुपीज़ के आसपास अमाउंट स्पेंड किया था, लेकिन अभी ये भाई के साथ स्कैम हो चुका है। तो यार देखो क्या सीन होता है, गेम में काफ़ी सारे लोग पैसे लगा देते हैं, फिर कभी उनको बाद में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो सोचते अपना गेम का अकाउंट सेल करके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, BGMI के अंदर अकाउंट बाय करना या सेल करना इलीगल है। तो यार जितना हो सके इन चीज़ों से आप दूर ही रहो, क्योंकि इन चीज़ों में मोस्टली सारे स्कैमर्स भरे पड़े हैं। जो भी ID के स्टोर वगैरह होते हैं 10 में से 8 बंदे इनमें स्कैमर होते हैं। अब यहाँ पे इस भाई के साथ क्या सीन होता है, ये भाई को इन गेम एक बंदे की रिक्वेस्ट आती है जो कि इसको लालच देता है इसका अकाउंट खरीदने का। आप लोग में से भी जो लोग यहाँ पे गेम के अंदर पैसे वगैरह लगाते हैं वो लोग भी ये चीज़ें ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जो स्कैमर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, आपको खुद ही से इन गेम रिक्वेस्ट डालते हैं। देन यहाँ पर स्कैमर क्या करता है, ID वाले बंदे को थोड़ा बहुत लालच देता है। जैसे कि यहाँ पर स्कैमर आपको बोलेगा मैं भाई आपकी ID को बाय कर लूँगा, या फिर मैं आपकी ID के बदले आपको और अच्छी ID दिला सकता हूँ। अब यहाँ पे गेम के अंदर जो लोग पैसे लगाते हैं वो ऑब्वियसली बात है ऐसी चीज़ें सुन के उनको लालच यहाँ पे आ जाता है। देन यहाँ पे स्कैमर्स क्या करते हैं, आपकी ID की इन्वेंट्री देखने के बहाने से आपको गूगल मीट पे लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे स्कैमर आपको ऐसे बोले कि भाई मुझे आपकी ID की इन्वेंट्री दिखानी है, तो आप भी सोचोगे यार इन्वेंट्री दिखाने में तो क्या ही दिक्कत है, आप गूगल मीट पर इन्वेंट्री दिखाने के लिए चले जाओगे। लेकिन वहाँ पर इन्वेंट्री दिखाने के चक्कर में स्कैमर जो होगा आपकी ID के लॉगिन वगैरह भी आपसे खुलवा लेगा, और वहाँ पे आप जाने अनजाने में उस बंदे के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे जिससे कि वो बंदा 1 या 2 मिनट में आपकी ID आपके मुंह के आगे स्कैम कर देगा। जितने में आपको समझ आएगा आपके साथ हो क्या रहा है, उतने में आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके पासवर्ड चेंज होने का। देन यहाँ पे उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ये भाई के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो ये भाई के साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ, ये भाई को भी यहाँ पर पैसों की जरूरत थी, तो इन गेम ये भाई को किसी बंदे ने लालच दिया कि भाई मैं तुम्हारा ID खरीद लूँगा। इन्वेंट्री देखने के बहाने से स्कैमर इस बंदे को भी ऐसे ही गूगल मीट पे लेके गया, एंड 1 से 2 मिनट के अंदर ये भाई की ID का स्कैम हो गया। एक बार यहाँ पे ये भाई की ID भी मैंने सर्च करके चेक करी। अब ID के साथ यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ, जिस बंदे ने ID स्कैम की थी उस बंदे ने भी यहाँ पे ये वाली ID को इसी और टेलीग्राम स्टोर वाले को आगे सेल कर दिया है। तो यार देखो ऐसा ही सीन होता है, जो ये अकाउंट्स के स्टोर वगैरह होते हैं इन पर जितने भी अकाउंट्स होते हैं मोस्टली यहाँ पर ये सारे अकाउंट स्कैम होकर कहीं ना कहीं से आते हैं। तो यहाँ पे जितना हो सके गेम के अंदर ऑनलाइन ऐसे अकाउंट बाय या सेल करने का ट्राई नहीं करना, लेकिन इतने पैसे लगाने के बाद आपको लगता है आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है अकाउंट आपको सेल करना है, तो ट्राई करो रियल लाइफ में सामने वाले बंदे से मिल के ही डील करो, वरना ऐसे ऑनलाइन तो भाई आपके साथ स्कैम ही होगा। एंड ये भाई ने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर एक ये करी थी, ये भाई के अकाउंट में सिर्फ सिंगल लॉगिन था। तो आप में से भी जिन लोगों का अकाउंट यहाँ पर सिंगल लॉगिन पे है, सेटिंग में जाके सबसे पहले देखो अकाउंट का ही ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाता है, ये वाला प्लस का बटन दबा के आपको अपना सेकंड लॉगिन भी गेम के ID साथ कनेक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपका एक लॉगिन कोई बंदा स्कैम कर भी लेता है तो दूसरे लॉगिन से आप अपना ID रिकवर करने का ट्राई कर सकते हो। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए अपने अकाउंट में सेकेंड लॉगिन जोर से कनेक्ट कर लेना, एंड आज वाला वीडियो शेयर जोर से करना आपके उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसी वो कुछ लालच में आके गलती कर सकते हैं। अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने गेम प्लेस पे। आज वाली वीडियो में टोटल 4 गेम प्लेस रहने वाले हैं, तो वीडियो पर एंड तक देखो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 बंदों की फाइट हो रही थी, एक बंदे को 2 फिनिश कर देता हूँ, लेकिन सामने वाली गाड़ी पे अभी एक और बंदा है। अब यहाँ पे गाड़ी वाला बंदा मेरे BRDM को डैमेज कर रहा था, लेकिन तभी ऊपर वाली साइड से इस बंदे को कोई और बंदा फिनिश कर देता है। अब ये यहाँ पे दूसरा BRDM वाला बंदा था, इस बंदे ने अपना BRDM डैमेज होने से बचाया था। मैं सोचा था भाई को थोड़ा थैंक यू वगैरह बोल लेते हैं, लेकिन तभी मेरे को राइट साइड वाले कंपाउंड से एक बंदे का साउंड आता है।
ये वाले बंदे ने भी यहाँ पे अपने को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। फिलहाल के लिए यहाँ पे जल्दी से मैं हील लगा लेता हूँ। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन बनने का मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, लेकिन जोन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं अभी आरडीएम लेके जोन के अंदर आता हूँ। ये वाले बंदे को तो मैं जैसे जैसे फिनिश कर दिया, अभी भी मेरे को लग रहा था यहाँ पे सामने वाले बीआरडीएम के अंदर एक बंदा बैठ रखा है। फिलहाल के लिए मेरे को जोन के अंदर भी जाना है, लेकिन यहाँ पे कैसे सीन होता है ना, बीआरडीएम वाले बंदे को नीचे साइड वाले बंदे ने फिनिश कर दिया होता है, मतलब यहाँ पे बीआरडीएम के अंदर कोई बंदा था नहीं। ये वाले बंदे को भी फिनिश कर दिया, जोन यहाँ पे शिफ्ट हो गया था एंड अभी भी अपने को छोड़ के 4 बंदे और लाइव हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा है जो कि मेरे को ज़्यादा अपने लेफ्ट साइड में है। पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बीआरडीएम लेके जोन के अंदर आता हूँ। लास्ट वाले बंदे को यहाँ पे जोन के अंदर आना था, जैसे जोन स्टार्ट होता है बंदा ओपन में आता है, एज यू फिनिश कर देता हूँ। बाकी ये वाले गेम की बात करूँ, ये वाले गेम में अच्छा खासा अपने को 45 पॉइंट का प्लस मिल गया था। अभी चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। अभी के लिए यहाँ पे मैं जोन बंदे का वेट कर रहा था, उतने में एक बंदा ओपन में भागता हूँ, मेरे को स्पॉट हो जाता है। ये वाला कंपाउंड फिलहाल के लिए जोन के अंदर था, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अपने राइट साइड वाले स्क्वाड हाउस में ऑलरेडी एक और बंदा है, लेकिन तभी यहाँ पे अपने पे एक और बंदा रश कर देता है।
अब यहाँ पे इसके बाद वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। अब अपने को छोड़ के तीन बंदे और लाइव है, जिसमें से एक बंदा तो अपने सामने वाले स्क्वाड हाउस में ही है, बाकी दो बंदों की लोकेशन का भी के लिए मेरे को आइडिया नहीं है। Marked a location. अब यहाँ पे एक बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, दूसरा बंदा खुद ही जोन से फिनिश हो जाता है। एंड यहाँ पे लास्ट वाले बंदे को भेजिए फिनिश कर दिया। ये वाले गेम की बात करूँ, ये वाले गेम में मिला था अपने को 17 पॉइंट का प्लस। अभी चल लेते हैं इसी अपने थर्ड गेम प्ले पे। गाड़ी वाले बंदे तो यहाँ पे जैसे फिनिश कर दिया था, लेकिन उतने में पीछे शैक वाला बंदा भी अपने को डैमेज देता है। पहले तो यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे साइड पे BRDM को ला के हील लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जोन अपने से वापस शिफ्ट हो गया था, अपने को वापस जोन के अंदर जाना है। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन अपने से वापस काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के देखो तीन बंदे और लाइव है। एक बंदा मेरे को होता था लेफ्ट साइड वाले शैक में, राइट साइड में स्मोक रखा था, तो दो बंदों की लोकेशन का मेरे को आइडिया लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा सामने साइड से बग्गी लेके आता है, ये वाले बंदे तो मैं इजी फिनिश कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अपने को छोड़ के बचे थे दो बंदे, एक बंदा मेरे को पता था शैक वाला, दूसरा बंदा मेरे को लग रहा था राइट साइड पे स्मोक वाला है, बट यहाँ पे जो बग्गी वाला बंदा था आई गेस वही राइट साइड से स्मोक करके आया था। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा BRDM तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मेरे को जोन के अंदर जाना है। एंड अभी यहाँ पे देखो क्या सीन होता है। अब यहाँ पे बाकी दो बंदों की फाइट हो जाती है, ऊपर साइड पे जो बंदा था नीचे साइड वाले बंदे को फिनिश कर देता है। एंड
एंड यहाँ पे ये वाले बंदे को भी लास्ट में इंजीनियर से मैनेज कर दिया। ये वाले गेम की बात करें, ये वाले गेम में मिला था अपने को 19 पॉइंट का प्लस। अभी चले इतने आज के अपने फोर्थ गेम प्ले पे। अब यहाँ पे क्या सीन था, रिकॉर्डिंग मेरी ऑफ थी, एक बंदा अपने से आई गेस सब्सक्राइबर अपना मीटअप करने आया था, लेकिन वो बंदे को कोई और बंदा यहाँ पे पीछे साइड पे फिनिश करता है, तो अभी के लिए मैं वो वाले बंदे का वेट कर रहा था जिसने कि अपने सब्सक्राइबर को फिनिश किया था। मेरे को पता था ये वाले बंदे को भी जोन के अंदर तो आना ही है। एंड अभी ये वाला बंदा पीछे साइड से अपनी गाड़ी निकालता है। अब इससे पहले कि ये बंदा मेरे बी आई डी को डैमेज करता है, पहले यहाँ पे मैं अपना बी आई डी एम लेके जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब जो बंदा अपने बी आई डी एम को डैमेज कर रहा था, उस बंदे को पीछे साइड से कोई और बंदा फिनिश कर देता है। अच्छी बात ये थी, इसके बाद वाला जोन भी फिलहाल के लिए अपने ऊपर बन जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 3 बंदे और लाइव है। ये वाले बंदे को मैं काफी डैमेज देता हूँ। इसके बाद मैं सोचता हूँ ये वाले बंदे पे नेड वगैरह ट्राई करते हैं, लेकिन तभी मेरे को पीछे लेफ्ट साइड में एक और बंदा लेट स्पॉट होता है। उतने पे यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला बंदा सामने जाके दूसरे वाले बंदे पे रश कर देता है, दोनों बंदों की फाइट होती है, लास्ट वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। ये वाले गेम की बात करूँ, ये वाले गेम में मिला था अपने को 21 पॉइंट का प्लस। अभी चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। अब यहाँ पे मेरे को ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था, लेकिन रास्ते में एक बंदा अपने बी आई डी को काफ़ी डैमेज कर देता है। लेकिन अभी ये वाले बंदे को भी तो जोन के अंदर जाना है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इस बंदे का आने का वेट करता हूँ। तभी पीछे साइड से मेरे को एक गाड़ी आती हुई दिखती है, लेकिन ये वाला बंदा पीछे साइड पर रुक जाता है, तो अभी यहाँ पर अपना बी आई डी पहले मैं सेफ लाता हूँ। अब यहाँ पे जिस बंदे ने अपने बी आई डी एम को डैमेज किया था, इसको तो यहाँ पे जी गिरा दिया। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला अपने से जोन जो था वापस शिफ्ट हो जाता है।
पीछे साइड से एक और बंदा ओपन में आ रहा था, ये वाले बंदे को बिजी फिनिश कर दिया। अभी यहाँ पे मैं सोच रहा था जोन के अंदर जाने की, तभी यहाँ पे एक हैकर देखो लाइव बैन हो जाता है। तो भी यहाँ पे BRDM लेके मैं जल्दी से पहले जोन के अंदर जाता हूँ। तभी मेरे को राइट साइड में एक बंदा देखो सामने ओपन में स्पॉट होता है, एंड ये वाला बंदा कैसे यहाँ पे लाइव बैन हुआ था। बंदा कुछ भी कर नहीं रहा था ओपन में बैठ के, तो ये बंदा हैकर था या पता नहीं क्या सीन था। अभी के लिए अच्छी बात ये थी, इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर ही बन जाता है। उतने में यहाँ पे अपने साथ एक और बंदा BRDM लेके आ जाता है। ये वाले बंदे को मैंने भी काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन सामने साइड से कोई और बंदा इस बंदे को भी फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे जो इसके बाद वाला जोन था बंदे का, मैं वेट करता हूँ, लेकिन ये वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। अभी अपने को छोड़ के देखो यहाँ पे चार बंदे और लाइव है, जिसमें से एक बंदा मेरे को पता है अपने लेफ्ट साइड में BRDM वाला है। अब यहाँ पे सामने साइड वाला बंदा मेरे BRDM को भी काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे देता है, लेकिन ये वाला बंदा भी सामने साइड एकदम ओपन में है, ये बंदे को भी जोन के अंदर तो जाना ही है। तभी ये बंदा सामने साइड पे पोर्टल वगैरह बनाता है, मैं समझ जाता हूँ बंदा जोन के अंदर जाने का ट्राई कर रहा है। ये वाला बंदा तो अपने को अपने में टॉस स्पॉट हो जाता है। फिलहाल के लिए अपने को छोड़ के दो बंदे अभी और लाइव है, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे है कि मेरा BRDM काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। लास्ट वाले बंदे को भी यहाँ पे जैसे से फिनिश कर दिया। बाकी ये वाले गेम की बात करें, ये वाले गेम में 50 अपने को 20 पॉइंट का प्लस मिल गया था। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अगर आपको ऐसे ही रैंक वन असली कॉन्कर लॉबी के गेम प्ले देखना पसंद हो तो। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आके मेरे को DM कर सकते हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।